जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कमरान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। तो सब सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा, एक सोलापुर डिवीज़न के लिए, एक बात करूंगा बैंगलोर से कि बैंगलोर और हुबली की कनेक्शन जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की उसकी क्या स्टेटस है उस पर बात करूंगा। दोस्तों अब मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला सकूंगा, इसलिए दो दो टॉपिक साथ में उठा रहा हूं। दोस्तों डेली वीडियो लाने से मैं आपके साथ वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकूंगा, इसीलिए मैं बीच में गैप करूंगा। अभी जितने क्वेश्चंस है उसके वीडियो बनाने के बाद उसके बाद मैं गैपिंग करूंगा और ख़ास तौर पे न्यूज़ को पूरा निचोड़ के आपके सामने लाता ही हूँ और भी निचोड़ कर लाऊंगा। ट्रुथ जो न्यूज़ होती है वो आप तक पहुंचाऊंगा, आपको क्लैरिफाई करूंगा। तो बस एक ही बात करना चाहता हूँ आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से रेल से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए रोज़ाना लेकर आता हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मैं बार बार कहता हूँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। फॉलो ना भी करना हो तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर www.instagram.com/realnews24 पर मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक में आप मैसेज करेंगे तो वो मैसेज मुझे समझ में नहीं आता, बहुत लेट में उसमें मैसेज आती है, उसमें समझ में नहीं आता पेजेस में, इसलिए आप इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो या मुझसे गलती हो जाए तो आप वहाँ पर मुझे ठीक कर सकते हो, ठीक है। एक भाई हमारे पठान साहब, उनका कमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने कहा कि आपने गलत बताया है कि आपको पता ही नहीं कि जयपुर गांधीनगर की इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई है। भाई मैं एक बात आप लोग से कह देना चाहता हूँ, मैं रेल फैन हूँ, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स करने नहीं आया, ठीक है, और ना मैं किसी से लड़ने आया हूँ यहाँ पे बस मैं एक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है आप तक पहुँचा देता हूँ। बात रही मेरी तो मेरी बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ, मेरे भाई है उनकी फैक्ट्री है रेलवेज की, वो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो जयपुर हो, बेंगलुरु हो, धनबाद हो, गया हो, मुगल सराय हो, सब जगह उसकी मटेरियल्स जाती है। तो उनके जो काम होते हैं, जो पोस्ट अभी इलेक्ट्रिफिकेशन के बैठ रही है, तो आपने देखा होगा ट्रॉली चलती है लाइन पे, तो वो ट्रैक पे जो ट्रॉली चलती है उस चीज़ की प्रोडक्शन करती है मेरे भाई की कंपनी। तो वहाँ से भी मुझे बहुत नॉलेज होता है क्योंकि मैं उसके साथ ट्रैवल करता हूँ। अभी लॉकडाउन के इश्यू की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो आपको हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की वीडियोस दिखा देता, इसलिए मेरे पास न्यूज़ आती है तो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अब मैं आप वहाँ पे मुझे ये कहोगे कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे पता नहीं था, काम करो भाई आप भी एक यूट्यूब चैनल बना लो और आप आ जाओ। अगर मुझे झूठ और सच करना ही होता तो मैं कॉमेंट्स ना नीचे डिसेबल कर देता। अगर आप बोलोगे कन्फ्यूज़न है आपके अंदर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं या तो आपके एरिया के लिए वीडियो बनाना छोड़ दूंगा या मैं कमेंट डिसेबल करूंगा। ये कमेंट में आप बता देना अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और आपको बहस ही करना है, अगर पॉलिटिक्स ही खेलना है इस चीज़ में तो मैसेज में आइए, आप चाहे पठान साहब हो या आप कोई भी हो, आप मैसेज में आइए मुझसे, वहाँ पे आप जितनी चाहे बहस कर सकते हैं। खैर मैं किसी साथ बहसबाजी या मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, जो टॉपिक है बस वो पता के ख़त्म करना चाहता हूँ। तो चलिए टॉपिक आपका अपना शुरू करते हैं और वीडियो को भी शुरू करते हैं और आपके आगे बताते हैं, चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सोलापुर डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने पहले ही बताया आपको, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, वो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि बिग वन से कुर्दूवाड़ी के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। तो सर ने मुझसे सवाल किया था, एक सर ने, तो उनका आंसर यहाँ मैं देना चाहता हूँ। सोलापुर की जो डिवीज़न की काम जो थी वो रुकी हुई इसलिए थी एक ब्रिज की वजह से। वो ब्रिज की क्या प्रॉब्लम थी, वो ब्रिज बनने में सोलापुर में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वहाँ के जो लोकलाइज थे, ठीक है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी ज़मीन रेलवेज को देने में। तो बहुत दिन बहस चली, एक छोटी सी जंग छिड़ी, ये सब हो जाने के बाद अभी क्लैरिफिकेशन आ गया रेलवे की तरफ से, ये सब चीज़ अब खत्म हो गया, लोकलिटीज मान गए हैं, तो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन भी फिर से शुरू हो गई है और यहाँ पर डबलिंग की भी कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई है, हमारे ट्रैक की डबलिंग हो चुकी है सोलापुर में। और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिफिकेशन ये सोलापुर में भी हो रही है, कुर्दूवाड़ा तक हो गई है, उसके बाद और सिंगे से सोलापुर तक अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, कहीं पर पोल गड़ रही हैं। अब मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, आपको बताऊँगा फिर आप उस पर बहस करेंगे, इसीलिए एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा कहाँ पोल गड़ रही है। तो पोल वहाँ से गड़नी कुर्दूवाड़ी के बाद स्टार्ट हो गई है और ये सोलापुर तक मे बी 2021 तक पहुंच जाएगी, मार्च तक। तो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो सोलापुर की इलेक्ट्रिफिकेशन मार्च के बाद ही होगी, और ये सोलापुर की तरफ से न्यूज़ थी तो मैंने आपको इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया। वो जो लोकेलिटीज़ के झमेले थे उसके वजह से ब्रिजेस नहीं बने थे, इसके वजह से काम अटके हुए थे। अभी क्या हुआ है कि मैन पावर बहुत कम हो गया है, तो मैन पावर अभी रेलवे फिर से जुगाड़ कर रही है और उस कंस्ट्रक्शन की
डबलिंग की और एक्टिवेशन के दोनों की बड़ी जोर से काम हो रही है और हमें मार्च अप्रैल तक ये देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं बैंगलोर की तरफ से। तो बैंगलोर की तरफ से अगर बात करें तो सर ने आज क्वेश्चन किया था, ये उनका नाम है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि बैंगलोर और हुबली की इलेक्ट्रिफिकेशन कब होगी। तो सर आपको बता दूं, बैंगलोर होसुर की 38 किलोमीटर सीआरएस इंस्पेक्शन हो चुकी है और अब हम बात करते हैं बैंगलोर और हुबली के बीच में। तो बैंगलोर से यशवंतपुर तक इलेक्ट्रिसिटी पूरी कनेक्ट होगी, ठीक है दोस्तों, मगर इस पर अभी टाइम लगेगा। अभी हुबली में कंस्ट्रक्शन के काम चल रही है, जैसे हुबली के बाद जो हमारी स्टेशन आती है रानी बेनूर, यहाँ पर डबलिंग के भी काम चल रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन के भी काम चल रही है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, इस पर थोड़ा आपको सब्र करना होगा। तो जो हमारी हुबली यशवंतपुर की और बैंगलोर की, ये दोनों की जो कनेक्शन है इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डबलिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों का काम चल रहा है दोस्तों। और उम्मीद है कि 2021 तक, जैसे हमारी मोदी जी का सपना था कि 2020 तक ही पूरे देश की इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट कर दिया जाए, मगर ये लॉकडाउन के वजह से और ये कोरोना क्राइसिस के वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हुई है हमें भी और सरकार को भी। तो अब ये कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हुई है और मे बी हमें 2021 तक, जून जुलाई तक ये सब कवरेज मिलेगी। बैंगलोर हुबली, हुबली यशवंतपुर, ये सब कनेक्टिविटी हमें इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ प्लस डबलिंग के साथ मिलेगी ये 6-7 महीने के अंदर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दिए और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करें नीचे, और बहस करना है आपको तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। अगर ज़्यादा बहस होना शुरू हो जाए तो मैं कमेंट डिसेबल कर दूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के रखें अपना ख्याल, टेक केयर एंड जय हिंद।